For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. जो भी अमल, और ये मेरी फिलॉसफी है, मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाया, जो अमल लोगों को दिखाने के लिए किया जाता है वो अमल जायज नहीं है। अल्लाह की रजा के लिए आपका हर अमल होना चाहिए। बतौर मुसलमान हमारा हर अमल, हमारी हर कोशिश, हमारी हर जुस्तजू रब की रजा के लिए होनी चाहिए, उसमें बरकत है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी दी, अल्लाह ताला ने मेरे पे बहुत करोड़ों अरबों रहमतें की हैं कि हजार जिंदगियां मिले, हजार जिंदगियां सजदे में गुजार दूं, तब भी अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकता। और इंशाल्लाह मेरे बेटे की जब भी शादी होगी, ये मैं दावे से बात करता हूँ, सादी शादी होगी, और इंशाल्लाह ये गरीब यतीम और मस्जिद के बच्चे इंशाल्लाह आएंगे उस वलीमे के अंदर, और इंशाल्लाह सादगी से निकाह होगा कि एक मिसाल बनेगी इंशाल्लाह। हमारे इख्तियार में, अब हमारी बात हमारे बड़ों ने नहीं मानी, लेकिन हम अपनी माना मानेंगे। पैसे सेव करें। मैं आपको बताऊं आंटी, मैं जब उमरा करने गया 2018 में, अल्लाह ने सादत दी उमरा की, तो मैं इतना हैरान हुआ कि इंडोनेशियन थे गालिबन, इंडोनेशियन कपल्स इन ग्रुप्स दे केम दे तवाफ़ कर रहे थे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये एक तो ग्रुप में है, दूसरा ये मैरिड कपल्स हैं। तो मैंने पूछा फिर अपने साथ वाले से, वो हमें वो लेकर गए थे, उन्होंने कहा ये ना इनके यहाँ ट्रेंड है, कल्चर है कि शादी होते ही इनका पहला काम होता है कि उमरा करना, और ये ग्रुप्स में आते हैं। आप देखें कि कितनी अकलमंदी से हम पैसे बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, आपने साइंस ऑफ हैप्पीनेस की बात की, इसमें मैंने पूरा एक कोर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ येल से ऑनलाइन। तो मैं आपको अब एक्सपर्ट्स की बात बता रहा हूँ, पॉजिटिव साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स, यानी मार्टिन सेलिगमैन इज़ वन बिग नेम इन पॉजिटिव साइकोलॉजी। वो ये कहते हैं कि हैप्पीनेस आती है एक्सपीरियंसिस से, थिंग्स बाय करने से नहीं। ही सेड इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन समथिंग, इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसिस, नॉट इन्वेस्ट इन थिंग्स। बल्कि उन्होंने बकायदा रिसर्च कंडक्ट करके प्रूव किया कि वो लोग जो थिंग्स में बहुत इन्वेस्ट करते हैं वो अनहैप्पी, बिकॉज वो वॉइड वाली जो आपने बात की ना, दे हैव अ बिग वॉइड इनसाइड ऑफ देम कि यार इतनी चीज़ें पड़ी हैं, बट व्हाट्स द पर्पस ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन वो लोग जिन्होंने एक्सपीरियंसिस से क्या मुराद है, अच्छे होटल में खाना खा लेना एक्सपीरियंस से मुराद है, हज पे चले गए, उमरे पे चले गए, किसी अच्छी जगह चले गए, अल्लाह ताला की हम भी बयान की और बड़ा अच्छा प्रोडक्टिव बनाया उस चीज़ को, एक्सपीरियंस से मुराद है कि निकले एक वीकेंड पे, वो रबा को बिठाया डाइनिंग टेबल पे और बिरयानी पकवाई, देख पकवाई, और चलो जी एक्सपीरियंस किया इस सारे को, जायज़ ख्वाहिश शायद पूरी की। तो आई थिंक यूथ को समझना चाहिए, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो हाँ, आपको गरीबों की मदद करने में बड़ी खुशी महसूस होगी, उनको खाना खिलाने में खुशी महसूस होगी, किसी की मदद करने में खुशी महसूस होगी, किसी का काम आने में खुशी महसूस होगी, जिनको हम बड़ा ज़्यादा बोझ समझते हैं आजकल के। तो मैं ये समझता हूँ थोड़ा बहुत जो है ना, वो इंसान को, हर मुसलमान के ऊपर ये लाजिम है, मलजूम है कि आप जो है ना वो कोई थोड़ा बहुत दीन का फैम लें। आपका तमाम तर मसाइल का हल दीन के अंदर मौजूद है, आप जो खुशी ढूंढ रहे हैं वो दीन में ही है, दीन के बाहर खुशी नहीं है। और अगेन वही हमारी ओवरहॉलिंग की जरूरत है अपने स्टैंडर्ड्स की। आप ये देखिए कि सूरतुल माउन में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसी महफिलों में बैठे जहां पे यतीम मिस्कीन के खाने की बात ही नहीं की। इनके ट्रेंड्स के अंदर, इनकी प्रायोरिटीज के अंदर की चीज ही शामिल नहीं, वला यहुद्दु अला ताअमिल मिस्कीन। और सूरतुल उसमें जो है बलद में फरमाया, औ इतआमुन फी यौमिन दी मस्गबा, उस दिन का खाना जिस दिन भूख थी। तो बात यह है कि इनको देखा जाए तो इन कामों पे बहुत मज़ा आता है, बल्कि जिन लोगों को अल्लाह ने देने की तौफीक दी है, हकीकत है कि वो बताते हैं कि देने का नशा ऐसा है कि अल्लाह के हातिम ताई जैसे लोग कैसे, क्या मिलता था उनको, कोई दमा की कोई ना कोई कल वो हो ही ना ढीली ढाली, लेकिन कुछ था तो सही जिसके साथ दिल इतना बड़ा हो गया कि बस, और उस दिल के अंदर जो चाहे समा जाए। आई थिंक ट्रेंड सेट होना चाहिए, जैसे आपने ट्रेंड सेट किया माशाल्लाह। और भी मेरे पास ऐसी मिसालें कॉमसेट्स के, कॉमसेट यूनिवर्सिटी आई थिंक इस्लामाबाद, वहाँ पे मैं देख रहा था स्टूडेंट्स, उनकी शादी हुई तो उन्होंने गुराबा को खाना खिलाया वलीमा वाले दिन, एक्सपीरियंस किया इस खुशी को, शेयर किया सोशल मीडिया पे, बड़ा वायरल गया। और वही आपके वाली बात है आंटी कि लोग लाइक करते हैं, बेशक जितनी मर्जी तारीफें वो लैविश वेडिंग्स की कर लें, लेकिन डीप इनसाइड दे नो कि ये चीज़ गलत है। ये जो इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, अगर वो ये चीज़ अडेप्ट करें ना तो बहुत ज़्यादा। अभी पिछले दिनों, कोई साल डेढ़ पुरानी बात है, कोई आपके हमारे यहाँ मीडिया इंडस्ट्री का कोई नाम था एक, उसने शादी की बड़ी सादगी से, बहुत सादगी से, कोई 10-12 गेस्ट थे,
उसका मैंने पूरा आर्टिकल भी पढ़ा था, हाँ हमजा बासी नाम का कोई जो है ना वो है, खैर उस वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की गई पूरे मुल्क के अंदर, और बड़ा ज़्यादा उसके चर्चे हुए कि यार ये देखो ये एक मीडिया इंडस्ट्री का बंदा है और ये इतनी सादगी से शादी कर सकता है, तो भैया आपको क्या मसला है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के अगर सेलिब्रिटीज़ या इन्फ्लुएंशियल लोग जब ये अडेप्ट करना शुरू करेंगे, देखें किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार आपने 10 लाख की शेरवानी पहनी है, वो सबको पता है कि आपने यहाँ से उतार घर से जाके उतार देनी है और ज़िंदगी भर इसकी बारी फिरनी आनी, वो कूड़े में जानी है। दो चीज़ें मैं समझता हूँ, औरत का लहंगा, मर्द की शेरवानी और शादी का कार्ड, ये तीनों का मुकद्दर कूड़ा ही है, ये तीनों का मुकद्दर कूड़ा ही है। आपको आप जितना मर्जी पैसा खर्च कर लें, आप 50 लाख का कार्ड बनवा लें उस, और आजकल हम मुझे कोई कार्ड देने आता ना मैं कहता हूँ यार व्हाट्सएप कर दो, मतलब कार्ड पड़े होते हैं और लोग माइंड कर जाते हैं ना कार्ड ना दें तो माइंड। मुझे पिछले दिनों हकीकत में ना मेरे वालिद साहब, मैं ना एक शादी थी बड़ी इंपॉर्टेंट, तो मैंने ना टेबल पे कार्ड रखा हुआ था, वो मैं तैयारी पड़ी, मैंने कहा अभी जान ये कार्ड यहाँ पड़ा था, कहते वो मैंने फेंक दी कूड़े में, तो मैंने कहा मैंने वाकई उसमें एड्रेस पढ़ना था, कहते हैं यार मंगवा लो, फिर मैंने लोकेशन मंगवाई। तो कहने का मकसद क्या है, ये है कि यार आप इन चीज़ों पे पैसा ना खर्च करें जिसका कोई मकसद, इसका मुकद्दर कूड़ा है, आप यार उसके बजाय किसी गरीब की एक शादी करवा दें। आप लाखों रुपए कार्ड्स पे खर्च कर रहे हैं, देखें जो भी अमल, और ये मेरी फिलॉसफी है, मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाई है, जो अमल लोगों को दिखाने के लिए किया जाता है वो अमल जायज़ नहीं है। अल्लाह की रजा के लिए आपका हर अमल होना चाहिए। बतौर मुसलमान हमारा हर अमल, हमारी हर कोशिश, हमारी हर जस्तुजू रब की रजा के लिए होनी चाहिए, उसमें बरकत है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी, अल्लाह ताला ने मेरे पे बहुत करोड़ों अरबों रहमतें की हैं कि हज़ार जिंदगियां मिलें, हज़ार जिंदगियां सजदे में गुजार दूँ, तब भी अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकता। और इंशाल्लाह मेरे बेटे की जब भी शादी होगी, ये मैं दावे से बात करता हूँ, सादी शादी होगी, और इंशाल्लाह ये गरीब यतीम और मस्जिद के बच्चे इंशाल्लाह आएंगे उस वलीमे के अंदर, और इंशाल्लाह सादगी से निकाह होगा कि एक मिसाल बनेगी इंशाल्लाह। हमारे इख्तियार में अब, हमारी बात हमारे बड़ों ने नहीं मानी, लेकिन हम अपनी मानेंगे।